हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे नॉन फ्राइड आलू बॉल्स जो बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हमने लिए हैं यहाँ पर उबले हुए आलू जिनको मैंने ग्रेट कर लिया है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला। अब हम इसमें डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार, आधा चम्मच डालेंगे जीरा पाउडर, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स, अब हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच मिक्स्ड हर्ब्स, एक चम्मच कसूरी मेथी डाल देंगे, एक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे, कटा हुआ प्याज डाल देंगे, अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर। अब हम सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो ये देखिए, हमने सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाकर तैयार करेंगे। इस तरह हम सारी बॉल्स बना लेंगे। और ये देखिए, हमारी बॉल्स बनके तैयार है। सभी बॉल्स को हम इसी तरह बनाएंगे। सभी बॉल्स हमारी बनके तैयार हो गई है। अब हम गैस की तरफ चलेंगे। गैस पर रखेंगे अपने पैन। अब हम इसको ऑयल या फिर घी से ग्रीस कर देंगे। और सभी बॉल्स को इसमें रख देंगे। कवर कर देंगे और ढककर लो फ्लेम पर 2 मिनट के लिए पकने देंगे। ये देखिए, 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इनको चेक करेंगे और दूसरी साइड से सभी बॉल्स को पलट देंगे। अब हम फिर से ढक देते हैं और 2 मिनट के लिए फिर से पकाएंगे। 2 मिनट हो गए हैं, चेक कर लेते हैं। और ये देखिए, हमारी बॉल्स एक साइड से कितनी अच्छी क्रिस्प हो गई है। सभी बॉल्स को हम फिर से पलट देंगे। ढक देंगे और 1 मिनट के लिए और पकाएंगे। 1 मिनट हो गया है। अब हम बॉल्स को चेक कर लेते हैं। और ये देखिए, हमारी आलू बॉल्स बनके तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।